18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। चार बार के MP डॉक्टर सफीर कुरमान पर कोसंबल लोकसभा क्षेत्र का सपा भाजपा गठबंधन से प्रत्याशी उतारने के साथ ही सपा से ही विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। जहां सपा के कई दिग्गज नेता पार्टी हाईकमान के इस फैसले से नाराज है, तो वहीं जिला संगठन में कई नाम ऐसे हैं जो डॉक्टर बर्फ के नाम को पचा नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे कई दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने सपा जिलाधिकारी फिरोज खान को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम पत्र कर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि सपा से मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से 3 बार विजयी रहे और संबल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर 1 बार विजयी रहे डॉक्टर सफीर रहमान बर्फ को एक बार फिर अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की बात को नजरअंदाज करते हुए संबल लोक क्षेत्र का टिकट थमा दिया है। जहाँ डॉक्टर बर्फ के समर्थक काफी खुश है, तो वहीं डॉक्टर बर्फ के नाम जिला संगठन के अहम पद पर रहने वाले कार्यकर्ताओं भी डॉक्टर बर्फ को बाहरी बताते हुए विरोध उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के डॉक्टर अजय यादव को सपा के नगर महासचिव नरेश ठाकुर सहित दर्जनों लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर बर्फ के टिकट का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सपा जिला अध्यक्ष फिरोज खान को अखिलेश यादव के नाम पर सौंपते हुए कहा कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। पत्र में यह भी कहा गया कि इस टिकट से वह काफी गुस्से में है। सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के इस फैसले के बाद कहीं न कहीं लोक चुनाव में पार्टी को नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भले ही सपा जिला अध्यक्ष फिरोज खान नुकसान की संभावना से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह डॉक्टर बर्फ को संबल लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने से सपा के एक ठंडे ने पार्टी हाईकमान ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हाँ, तो आज कुछ पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, क्या वजह इस्तीफा देने की? इस्तीफा तो कोई हमारे पास नहीं आया, कार्यकर्ता कुछ नाराज थे और हर पार्टी में होता है, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जब चुनाव नज़दीक आते हैं, कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं तो नाराज़ हो ही जाते हैं। नाराजगी की वजह क्या है? नहीं, देखिए, उनको ये कहा है कि साफ प्रत्याशी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है अभी जो पार्टी की ओर से, वो हमारे बीच में नहीं रहा, संपर्क ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन हम लोगों ने तो पार्टी के लिए काम किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम इतने हैं कि प्रदेश में आज उनको लड़ाने के लिए लोग हर लोकसभा से मांग चल रही है कि हमारे यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव भी चुनाव लड़े। तो पार्टी की तो लोकप्रियता इतनी बड़ी है, तो टिकट मांगने वालों की दावेदारी भी ज़्यादा थी। तो अब जिसको हाईकमान ने टिकट दे दिया, उसको सारे लोग मिलकर संगठन से लेकर सारे लोग लड़ाएंगे। और जनता में तो बहुत उत्साह है इस गठबंधन को देख के, जनता की मांग का गठबंधन था, गठबंधन को देख के एक अजीब सा जोश है। और मुखालिफ ये फिरके परस्त ताकते और मुखालिफ जो लोग हैं, ये इस्तीफे की और लोगों को चढ़ा चढ़ा के तुम इस्तीफा दो, तुम्हारे अनुरूप टिकट नहीं हुआ, ये BJP के लोग ये सब कुछ करा रहे हैं, मुझे शुभ है। लेकिन हमने सबको सेट कर लिया, मना लिया, सारे लोग एकजुट हो गए, पूरे संगठन के साथियों से लेके लाखों से यहाँ कैंडिडेट। अच्छी जानकारी मिली है, कुछ लोग जो पदाधिकारी हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने इस वजह से इस्तीफा दिया है कि संबल से डॉक्टर सफीर कुरमान बर्फ जी को टिकट जो हो गया, क्या इस वजह से उन लोगों की नाराजगी वगैरह सामने आ रही है? देखिए, ये नाराजगी का इशू नहीं है, टिकट लोग 10 मांगते हैं, हमने भी मांगा था, टिकट मांगना तो अधिकार है, लेकिन फैसला जो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है तो वो मान्य होता है। और जो लोग टिकट मांग रहे होते हैं तो उसमें कुछ दिनों गुस्सा रहता है, नहीं तो हमारी पार्टी एक है, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, बहन कुमारी मायावती जी का हमको साथ मिला है, चौधरी साहब का, चौधरी अजीत सिंह जी का, हम सारे लोग मिलकर फतेह करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं, सब वो लोग करा रहे हैं। तो क्या पार्टी डॉक्टर बर्फ से चुनाव लड़ेगी, पार्टी कार्यकर्ता आप लोग? अरे, संगठन पूरा चुनाव लड़ाने को तैयार बैठा है, और चुनाव हम तो संगठन के लोग तो लड़ाएंगे, लेकिन वोट तो जनता देती है, जनता उत्साहित है, वोट देने को तैयार बैठी है, जनता कहती है कैंडिडेट कोई हो, हमें सिर्फ साइकिल का निशान और हाथी का निशान देखना है। प्राइम 18 न्यूज के लिए संभल से सत्यपाल सिंह यादव की रिपोर्ट।